बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन. Because in 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shoubedien and the Prime Minister Yousuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. But I संध्या डी रिची ने 28 मई की सुबह एक ट्वीट पर अपना तबसरा जारी किया जो पाकिस्तानी अदाकारा उज़्मा खान पर होने वाले मुबैना तशद्दुद की वीडियोस के हवाले से था। इस ट्वीट में उनका कहना था कि इस वाकये से इन्हें वो वक्त याद आ रहा है जब बेनजीर भुट्टो भी यही किया करती थी जब उनके शौहर उनसे बेवफाई करते थे। संध्या ने दावा किया कि बेनजीर भुट्टो अपने गार्ड से ऐसी खवातीन का रेप करवाती थी जिनके साथ उनके शौहर आसिफ अली जरदारी के मुबैना ताल्लुकात होते थे। संध्या ने मजीद लिखा था कि खवातीन रेप के कल्चर की मुखालफत क्यों नहीं करती, क्यों कभी मर्दों को जवाबदेह नहीं किया जाता, इंसाफ का निजाम कहाँ है, पाकिस्तानी नौजवानों को इस पसमांदा सोच को मुस्तरद करना चाहिए। संध्या की इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जंग का समा पैदा हो गया। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान ने हुकूमत पाकिस्तान FIA और ISI से दरख्वास्त की है कि संध्या डी रिची की मशकूक सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात की जाए और पाकिस्तान से उनकी फौरी मुल्क बदरी का अमल यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त के मतन में सीनियर सहर कामरान ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि संध्या डी रिची अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में अवामी जज्बात को मुतासिर करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुश्तल करने का सबब बनी हुई है और उनकी पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशों से पार्टी के कारकुनान में तशवीश की लहर पैदा हो रही है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA वाजिद जिया और वजारत खारजा के सेक्रेटरी सुहेल महमूद और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से सोशल मीडिया की विसातत से एक खत के जरिए संध्या डी रिची के हवाले से 5 सवालात के जवाब भी तलब किए हैं। सहर कामरान के संध्या डी रिची के हवाले से उठाए गए सवालात कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, संध्या डी रिची पाकिस्तान में क्यों और किस हैसियत से रिहाइश पजीर हैं? नंबर 2, उनके वीजे की नौईयत और मुद्दत कितनी है और पाकिस्तान में उनकी रिहाइश के हवाले से कौन सपोर्ट कर रहा है? नंबर 3, एक तरफ वो खुद को सियाह सहाफी और बीले डांसर के तौर पर मुतआरिफ करवाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आला सतह पर सियासी उमूर में मुदाखलत कर रही हैं। नंबर 4, पाकिस्तान में अवामी जज्बात को भड़काने के हवाले से उनके मकासद क्या हैं और वो क्यों सिंध और सिंध के हकूमती अमूर को टारगेट करती हैं, खसूसन एक ऐसे वक्त में जब सिंध को कोरोना वबा के हवाले से इक्तमाद पर सराहा जा रहा है। नंबर 5, पाकिस्तान में इस तरह के मशकूक किरदारों की मौजूदगी के हवाले से सरकारी हुक्काम की पॉलिसी क्या है? संध्या रिची हैं कौन, आइए इसका जायजा लेते हैं। 38 साल संध्या डी रिची अमरीकी शहरी हैं जो 2009 में पहली बार पाकिस्तान आई। इस दौरान उन्होंने कुछ अरसा पाकिस्तान से बाहर भी गुजारा, लेकिन पिछले 7 सालों से वो शहर इक्तदार इस्लामाबाद में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हैं। संध्या ने साल 2003 में अमरीकी यूनिवर्सिटी से कानून और शोबा आमा में अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इस ही यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2005 में तालीम और नफ्सियात के शोबे में अपना मास्टर्स भी मुकम्मल किया। इसके बाद उन्होंने मजीद 2 और शोबों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जिसमें से एक उन्होंने तिब्बी नफ्सियात के शोबे में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की पैराडाइन यूनिवर्सिटी से हासिल की, जबकि दूसरी डिग्री स्ट्रेटेजिक पब्लिक रिलेशंस के शोबे में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद संख्या चाइल्ड एडवोकेट के तौर पर मुकर्रर हुई और वहां उन्होंने तकरीबन 1 साल तक काम किया।
2008 में संथिया ने अमेरिकी रियासत टेक्स के शहर ह्यूस्टन के सिटी काउंसिल में कम्युनिटी राबता अफसर के फराइज अंजाम दिए। संथिया का इस हवाले से कहना था, इस वक्त ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी सियासी और समाजी सतह पर काफी फ़ाल था। इसी दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर मैंने ह्यूस्टन शहर के लिए काफी काम किया और वहीं से पाकिस्तानियों के लिए मेरे दिल में इज्जत पैदा हुई। पाकिस्तान में 2010 में आने वाले सैलाब के दौरान संथिया डी रिची अमरीकी शहर ह्यूस्टन की इस वक्त की मेयर एनिस पार्कर की खैर सगाली सफीर के तौर पर मुख्तसर वक्त के लिए पाकिस्तान आई। इस दौरे के कुछ वक्त बाद संथिया की मुलाकात मौजूदा वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी शहर ह्यूस्टन में हुई, जहां वो एक फंड रेजिंग यूनिट में शिरकत के लिए आए थे। संथिया के मुताबिक इस मुलाकात के बाद वो इमरान से रابطے में रहीं। इस यूनिट के कुछ अरसे बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से संथिया डी रिची को महकमा सेहत में कम्युनिकेशन लेक्चरर के तौर पर काम करने की दावत दी गई। संथिया के मुताबिक उन्होंने इस दावत को कबूल किया और पाकिस्तान आकर बिला मुआवजा पीपीपी हुकूमत को अपनी खिदमात अंजाम दी। अलबत्ता इन्हें हुकूमत की जानिब से रहने की जगह, सफरी सहूलियात, एक फोन और एक टैबलेट डिवाइस फराहम की गई थी। इस दौरान संथिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती, जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी थे, की बेटी फरहाना सवाती की एनजीओ में भी काम किया, जो 1.5 साल के अरसे तक जारी रहा। 2011 में संथिया डी रिची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग में काम किया। इसके अलावा पार्टी मंशूर को तरतीब देने में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। संथिया के मुताबिक इस दौरान उनकी दूसरी सियासी जमातों से भी वाबस्तगी हुई, जिनमें MQM, नून लीग, काफ लीग, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी सर फहरिस्त है। ताहम उनके मुताबिक इस दौरान कुछ जमातों की जानिब से उनकी जासूसी की गई और मुतअद्दिद बार उन पर हमला भी हुआ। मई 2011 में एबटाबाद में ओसामा बिन लादन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन के बाद संथिया की रिहाइश इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में मुंतकिल कर दी गई और उनकी सफरी सहूलियात वापस ले ली गईं। संथिया के मुताबिक पीटीआई के सोशल मीडिया विंग में काम करने की वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत का रवैया उनसे तब्दील हुआ। कई साल तक संथिया पाकिस्तान में मुकीम रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया विंग में अपने फराइज अंजाम देती रहीं। इस दौरान उन्होंने एक मीडिया प्रोडक्शन कंपनी का आगाज किया। ये कंपनी अमरीका में रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में वॉक अबाउट फिल्म्स नामी कंपनी के इश्तराक से डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाती है। 2015 में संथिया डी रिची ने एमर्जिंग फेसेस के नाम से पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब पर मबनी अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। इसके अलावा संथिया बतौर एक राइटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, दी न्यूज इंटरनेशनल, साउथ एशिया मैगजीन और ग्लोबल विलेज स्पेस के लिए लिखती हैं। संथिया खुद को फ्रीलांस मीडिया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वीलॉगर और सियाह करार देती हैं। यूट्यूब पर उनका एक चैनल भी मौजूद है, जिस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर उनकी बनाई गई वीडियोस और वीलॉग्स मौजूद हैं, जिनके जरिए पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया गया है। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 1,88,000 से ज़ायद है, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। उनके ट्विटर हैंडल पर उनकी पाकिस्तानी लिबास और जेवरात में मलबूस एक तस्वीर भी लगी हुई है। संथिया के मुताबिक वो कुछ अरसे से मकामी एजेंसीज और पाकिस्तान आर्मी की मदद से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट की मुबैना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात कर रही हैं। ताहम ये बात वाजे नहीं है कि ट्रेवल वी लॉगिंग और फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करने वाली संथिया रची ने पीटीएम के हवाले से तहकीक का आगाज क्यों किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक ट्वीट्स के बाद उन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं और वो बेशतर इल्ज़ामात के खुद जवाब दे रही हैं, ख़ासतौर पीपल्स पार्टी के हामियों की जानिब से उन्हें भेजे गए पैगामात की स्क्रीनशॉट्स शेयर करके उन्होंने बताया है कि उन्हें हरासा किया जा रहा है। संथिया इससे कबल भी बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के हवाले से मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पर तनकीद का निशाना बन चुकी हैं, जबकि पीटीएम की रुकन गुलाले इस्माइल के हवाले से भी वो मुतनाज़ा ट्वीट्स करती रही हैं, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा।